मैं आपको छठ पूजा में बनाए जाने वाला बहुत ही ज्यादा खस्ता और टेस्टी ठेकुआ बनाना बताती हूँ, कैसे बनाया जाता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ठेकुआ बनाने के लिए ये हमने 3 कप गेहूं का आटा लिया है, जिसे हम चपाती बनाते हैं ये वही वाला आटा है। अगर हम ग्राम में नापे तो ये 500 ग्राम है। 1/2 कप देसी घी, आप देसी घी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी डाल करके जब हम बनाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा खस्ता और टेस्टी बनके तैयार होते हैं। अगर हम इस घी को ग्राम में नापे तो ये 100 ग्राम है। अब हम इसके अंदर घी को डाल देते हैं और थोड़ा सा घी हम बचा लेते हैं, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज बाद में करेंगे। अब हम घी और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम जितने अच्छे से मिक्स करेंगे एक ठेकुआ उतने ही ज्यादा खस्ता बनके तैयार होंगे। ये हमने घी और आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए हम मुट्ठी बांध रहे हैं तो मुट्ठी बंद रही है, बस हमें इसी टाइप का मौन चाहिए। अगर मुट्ठी नहीं बनती है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। ये 1 टेबल स्पून करीब घी बच गया है, अब हम इसका यूज नहीं करेंगे। इनको और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए ये हमने 1/2 टीस्पून सौंफ लिया, वो डाल देते हैं। ठेकुआ में खुशबू अच्छी है, इसके लिए हमने 4 से 5 छोटी इलायची ली है, वो भी डाल देते हैं। ये हमने 3/4 कप चीनी ली है, अगर हम ग्राम में नापे तो ये 150 ग्राम है। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। आप इससे ज्यादा चीनी का यूज ना करें, अगर हम ज्यादा चीनी का यूज करेंगे तो जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये टूट सकते हैं। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर 1/2 कप नारियल का बुरादा डाल देते हैं, आप चाहें तो नारियल को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और आप चाहें तो इसके अंदर काजू बादाम पिस्ते का भी यूज कर सकते हैं। नारियल आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ये हमने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप चाहें तो इसके अंदर 1 चुटकी नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने दूध लिया है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और डो बनाते जाएंगे। इसका डो हमें सख्त बनाना है, आप दूध की जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध और डाल देते हैं। भाई डो बनाते समय हमें एक चीज का ध्यान रखना है, डो हम जितना ज्यादा सख्त बनाएंगे ठेकुआ उतने ही ज्यादा खस्ता बन के तैयार होंगे। दूध बस थोड़ा थोड़ा करके ही डाले जिससे कि इसमें ज्यादा ना हो जाए। ये हमने डो बना लिया है, बस हमें इसी टाइप का सख्त डो चाहिए। अब हम इस डो को 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं और ढक देते हैं। 20 मिनट करीब हो गए हैं, अब ये डो भी सेट हो गया है। अब हम इसकी लोइयां बना लेते हैं। अब हम इसमें से मीडियम साइज के नींबू के बराबर का डो ले लेते हैं। हमें इस तरीके से दबाते हुए लोई को बनाना है। देखिए लोई बन गई है। इस तरीके से हम कुछ लोइयों को बना के तैयार कर लेंगे। ये हमने कुछ लोइयों को बना के तैयार कर लिया है। चलिए अब ठेकुआ बना लेते हैं। इसमें हमने कुछ लोइयां लंबी बनाई है, कुछ गोल। ये हमने बनाने के लिए सांचा लिया है। अब हम इसे ठेकुआ बनाएंगे। इसके ऊपर एक लोई इस तरीके से हमें रखनी है और हाथ से प्रेस करते हुए डिजाइन को बनाना है। देखिए कितनी बढ़िया डिजाइन बनके तैयार हुई है। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप इसे बिना सांचे के भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें से एक लोई और ले लेती हूँ और इस लोई को हमें इस तरीके से थोड़ा सा और चिकना करना है। अब हम इसे हाथ पर रखते हुए इस तरीके से दबा देते। देखिए ये हमने फोर्क लिया है, अब हम इससे डिजाइन बनाएंगे। इस तरीके से दबाते हुए हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। देखिए कितनी बढ़िया डिजाइन बनी है। अगर आपके पास इस टाइप की चलनी है तो आप इससे भी बना सकते हैं। इसके लिए हम गोल वाली लोई लेंगे। अब हम लोई को बीच सेंटर पर इस तरीके से चलनी पर रखेंगे और हाथ से दबाते हुए हमें डिजाइन बनानी है। देखिए कितनी बढ़िया डिजाइन बनके तैयार हुई है। अब मैं आपको दूसरी डिजाइन का बनाना बताती हूँ। ये हमने
गोल साइज की लोई लिए, इसको हाथ से इस तरीके से हमें दबाना है। अब हम इसमें फोक से इस तरीके से दबाते हुए डिजाइन बनाएंगे। देखिए कितनी बढ़िया डिजाइन बनी है। आपको जो भी तरीका पसंद आता है उस तरीके से डिजाइन बना सकते हैं। आप देख पा रहे कितनी बढ़िया डिजाइन बनी है। इस तरीके से हम सभी ठेकों को बना के तैयार कर लेंगे। ये हमने सभी बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ठेकों को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम ऑयल को गर्म होने देते हैं। हमें इनको फ्राई करने के लिए हल्का गर्म ऑयल चाहिए। अब हम ऑयल को चेक कर लेते हैं। ऑयल को चेक करने के लिए अब हम थोड़ा सा इसमें डो डालेंगे। देखिए डो के आसपास हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ऑयल गर्म हो गया है। बस हमें इतना ही गर्म ऑयल चाहिए। अब हम इनको कढ़ाई में डाल देते हैं। जितने आएंगे हम उतने कढ़ाई में डालेंगे। इनको फ्राई होने देते हैं। फ्लेम को हमने स्लो मीडियम कर दिया है। इन्हें हम स्लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे जिससे कि ये अंदर तक सिक करके खस्ता बने। अब हम इनको सिकने देते हैं। जब ये हल्के गोल्डन कलर के हो जाएंगे इसके बाद हम इनको पलटेंगे। अगर हम कच्चे में पलटेंगे तो ये हो सकता है टूट जाए। अब ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए, अब हम इनको पलट देते हैं। बस फ्राई करते समय आपको ध्यान रखना है कि जब ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाए इसके बाद ही आप इनको पलटें। अगर आप कच्चे पर पलटेंगे खस्ता होने के कारण ये टूट सकते हैं। अब हम इनको दूसरी तरफ से भी फ्राई होने देते हैं। ये दोनों तरफ से फ्राई हो गए, अब हम इनको निकाल लेते हैं। आप देख पा रहे कितने बढ़िया फ्राई हुए हैं। आप देख पा रहे कितने बढ़िया फ्राई हुए हैं और ऊपर से क्रैक हो गए, इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा खस्ता बनके तैयार हुए हैं। इस तरीके से हम सभी फ्राई कर लेंगे। ये हमने सभी ठेकों बना के तैयार कर लिए। आप देख पा रहे कितने बढ़िया बनके तैयार हुए हैं। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए बने हैं ना कितने बढ़िया और कितने खस्ता बने हैं। ऊपर से क्रैक है, इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा खस्ता बनके तैयार हुए हैं। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए बने हैं ना कितने खस्ता। अभी ये थोड़े से गर्म है, ये ठंडे होने के बाद और भी ज्यादा खस्ता हो जाएंगे। अभी इनको बनाइए खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको ये कैसे लगे। मैंने आपको जिस तरीके से बनाना बताया अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो आपके भी बिल्कुल ऐसे ही बनके तैयार होंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स करना तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस करना ना भूलिए जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।